अरे यार, अभी भी धुआं धुआं उड़ रहा है। रात भर में जल जल के ये पूरा खाक हो गया यार। लो यहाँ पर रहते थे, मेरे सपनों का घर चल गया रे भाई। हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारा एक नए वीडियो में एंड न्यू ब्लॉग में। गाइस सबको स्वागत करता हूँ, मैं सभी को दिल से ग्रह से वेलकम है। तो अभी बज रहा है गाइस सुबह का 8 बज रहा है गाइस, तो देख सकते हैं अभी सुबह का 8 बज रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं खा पी के नाश्ता के, कलेक्ट कर दिया हूँ। चपाती था यानी कि रोटी भी था यार, सब्जी भी था, दाल और खा के पूरा निकल गए हैं काम के लिए। तो गाइस आज मैं देखा रहा हूँ आप लोगों को, तो मेरा ये एक तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं यार, दुख भरी बहुत ही पूरा। मेरे को तो बहुत ही दुख लग रहा है गाइस पूरा, बहुत ही 5 साल का यार था हमारा झोपड़ी यार पूरा, तो मेरा हमारा झोपड़ी जल गया यार, क्या करेंगे। रात भर में जल जल के यार ख़त्म हो गया यार, कैसा लग रहा है मेरे को तो देख देख के। अभी जाऊँगा देखूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा यार कैसा है कैसा नहीं। 5 साल का झोपड़ी था यार, कितना प्यारा से रखता था उस झोपड़ी को हम, और अकेला ही रहते थे 5 साल पूरा यानी 5 ईयर। तो अभी जाके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो लास्ट तक देखना और एंड तक देखना, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं तालाब उलूब है, तो वहाँ यहाँ पे पूरा अभी पानी भरना चालू कर दिए हैं गाइस। कल 2 दिन से स्टार्ट ही हो गया है, तो एक तालाब पूरे कम्प्लीट होने वाला है, भर जाएगा। ये भी देख सकते हैं बैकग्राउंड पीछे में दिखा दे रहा हूँ, पूरा भर जाएगा पूरा ये कम्प्लीट, भर के पूरा लास्ट तक लेके जाएंगे। उसके बाद में कलोरिंग मारेगा, उसके बाद में खुश डालेगा गाय। तो एंड तक जरूर दिखाएगा गाइस, और हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना, ऑल बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना, ताकि आप लोगों को ऐसे ही देता रहूँगा वीडियो लगातार। और प्यारा सा एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चले गए वीडियो को शुरू करते हैं। रात भर में भी क्या बोलेंगे, लाइन भी नहीं था, ऐसे अंधेरा में ही रोटी बनाई। चले गए शुरू करते हैं वीडियो, यहीं से आप लोगों को दिखाऊँगा यार। मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, देखूँगा तो कैसा कैसा लगेगा। चलिए, अरे यार यहाँ पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ये तो गया, ये फेस में नहीं है भाई, ये फेस में आ गया है पावर, इसमें भी आ रहा है। तो इस कनेक्शन को उसको हम पलटी कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाता हूँ इसका मेन गेट, या कि बोलते हैं इधर का आउटलाइन। तो वहाँ पे पटेटो डालते हैं गाइस, देख सकते हैं ये है तालाब, इधर तालाब ही बोलते हैं यार हम लोग, जैसे कि बोलते हैं उधर पोखरा, इधर तालाब है पूरा, यहाँ से पूरा वहाँ तक पूरा दिखाई देगा, पूरा लंबा ही लंबा। देख सकते हैं पानी भरना पूरा स्टार्टिंग हो गया है, यहाँ से पूरा भरवा के लास्ट तक पूरा जाएगा पड़े हैं। देख सकते हैं गाइस, दिखा देता हूँ आप लोगों को, वहाँ से आ रहा है पानी, पाइप लगा हुआ है और उसका आगे में जाली भी लगा दिया है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा क्या पोटली उल्लू का मछली उछलू आएगा तो वहाँ पे फंस जाएगा। चलिए आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊंगा मेरा झोपड़ी यार, 5 साल का यार रहते थे वहाँ, एक ही झटके में ख़त्म। रात को क्या हुआ क्या नहीं, अभी जाके आप लोगों को दिखाऊँगा ना क्या हुआ क्या नहीं। तो आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ गेट, यहाँ से ये पानी भरता है खाली होने का टाइम में, इसको खोल देता है पूरा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। दिखा देते हैं, रुक जाओ। अरे यार ठंडा लगता है यार गुजरात में। ये देखिए भाई लोग, देख सकते हैं पानी भर रहा है, इसको बोतलें हैं पूरा पानी भर गया। ये देखिए दिखा दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं आउटलाइन, और ये है पटा यानी कि पटिया। और यहाँ पे पानी भर भर के पूरा यहाँ पर खाली होगा, वहाँ पे लगा हुआ है बड़ा सा ढोंग, ये देख सकते हैं यहाँ का, ये 3 फेस है, यहाँ से डायरेक्ट पटिया घुसेगा और यहाँ पे जितना मिट्टी डालेगा सब ऊपर ही आएगा गैस, तब तो गेट बंद होगा ना। और निकलता है यहाँ से इधर बाहर डायरेक्टली जाता है, डायरेक्टली खाड़ी में।
चले गैस, मेरा झोपड़ा हुआ जाला, पूरा झोपड़ी जाला गया है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं जहाँ पे घूम रहा हूँ गैस, तो ये है ए लाइन। ए लाइन का है 3 आउटलाइन और 1 ही खाली, यानी कि यहाँ पे 4 तलाफ है गैस। ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, डी लाइन ऐसे ही चलता रहता है। और इधर है ई लाइन, उधर है एफ लाइन। एफ लाइन तो विनोद का है भाई। चले गए पूरा इधर, तो अभी भी ठंड लग रहा है यार। सामने में ही बड़ा समुद्र है ना, इसलिए। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ सामने में ही है। थोड़ा देख देते हैं खोली में। अरे यार, ये तेरी क्या, ये देख सकते हैं चेंज ओवर है। इधर है बड़ा चेंज ओवर मीटर है, इधर है, इधर ये प्रिवेंटर है बोलते हैं इसको। चलिए, ए बाबा। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। क्या हो गया रे भाई, ये गया साले सत्यानाश। इधर देख सकते हैं गैस, इधर शोर पूरा हुआ है, शॉर्ट सर्किट। ये गया यार मेरा झोपड़ी यार। इधर का ये केबल भी जल गया दे तेरी क्या। ये यार मेरा खटिया भी गया यार। ये देखो, इधर शॉर्ट सर्किट हो गया था यार, इधर फोल्ड हो गया यार। इतना बड़ा तो नहीं जलेगा का। हाँ, तेरी का, यहाँ से चिंगारी उठा होगा, इधर जल गया, ये गया मेरा ये वायर भी, सत्यानाश। भगवान, चल के मार होगी लगना माई। अरे यार, अभी भी धुआं धुआं उड़ रहा है। रात भर में जल जल के ये पूरा खाक हो गया यार। लो, यहाँ पे रहते थे, मेरा सपनों का घर चल गया रे भाई। खटिया का भी शहद गया, अभी भी धुआं उड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, गया अभी, दोबारा झोपड़ी बनाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ दिखा देता हूँ यार, ये देखो, पाँच साल का मेहनत गया एक ही झटके में। बहुत ही अच्छा लगता था यही पे, और दो बार झोपड़ी बनाएंगे। उड़ गया तो क्या हुआ। तो गैस, मेरे को तो बहुत ही पूरा दुख लग रहा है, बहुत ही यार। यहीं पे रहते थे, यहीं पे सोते थे, पूरा यहीं पे पूरा
बड़ा रूम से खा के आते थे, यहाँ पर सोते थे यार, पूरा पूरा जला दिया। आके देखे तो मेरा तो दिल कलेजा फटफट गया पूरा। कोई बात नहीं, जल गया तो क्या हुआ, और दोबारा बना लेंगे छोटा सा घर, हम दो चार आदमी मिला के बना लूँगा, यहीं पे रहने वाला हूँ तो बना के पूरा अच्छा से रहूँगा। यार ये जल गया तो क्या हुआ, किस्मत तो नहीं गया है। यहाँ पे सामने था ना यार करंट बिजली, तो शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा, फॉल्ट हो गया होगा, यहाँ से पूरा एक ही बार लग गया कि पूरा जल गया होगा। रात भर जल रहा था, बाद में हम 11 बजे उठे तो झोपड़ी जल रहा है, क्या करेंगे, आके भी तो बुझा नहीं पाएंगे। आए थे संजीत लोग तो बुझा रहा था, तो देखिए तो क्या ही बोलूँ। तो चलेगा आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को दिखा दिया हूँ ये हमारा झोपड़ी, तो दोबारा जरूर बनाएंगे। साफ है जुगाड़, लकड़ी वड़ू साफ है, और कंटेनर में भी तो है बड़ा बड़ा तिरपल, तो अच्छा से बनाऊंगा पूरा एक नंबर, इससे भी और स्ट्रांग बनाऊंगा गैस। तो क्या बोलूँ, कुछ भी बोल नहीं सकता गैस, तो क्या करेंगे, वीडियो को पूरा यहीं तक लास्ट करेंगे। तो ये छोटा सा हम लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ना, और ऑल बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ऑल कीजिएगा, तभी आप लोगों को मिलता रहेगा हमारा न्यू वीडियो। चलेगा मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय।